मैं पट्टी लगा के ऐसे जाता हूँ कॉलेज में, और मतलब जो भी चलते रहता मुझे कुछ नहीं पता होता कॉलेज के बारे में, है ना, मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो तो तुम्हारा यश गर्ग देने वाला है। एवरेज कम होना एक बात अलग होती है, ओवरहाइप करना बात अलग होती है। तुम्हें क्लास के में कितने बच्चों, तुम उससे क्या लेना देना, तुम ये बताओ ना, तुम्हें क्या लेना, चाहे 8,000 बच्चों चाहे 10,000 बच्चों। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 4 साल के बाद जब तुम कोई कंपनी के इंटरव्यू में बैठोगे, तो जब तुम कोडिंग राउंड में अपना टेस्ट दे रहे होगे, वो कोड तुम्हें खुद लिखना है, तो मतलब तुम्हें खुद अपने आप को डेवलप करना है। तो अब चाहे वहाँ पे 8,000 बच्चे हो चाहे वहाँ पे 16,000 बच्चे, हाँ कॉम्पिटिशन ज्यादा रहेगा, बट उस कॉम्पिटिशन के तुम फायदे भी तो देखो ना। और उससे बड़ी बात, तुम अमन धतरवाल भैया के मुंह से भी सुन लो कि भैया ये ब्रोकर रियल है या फिर नकली, पैसे देके एडमिशन, ठीक है, ये बेसिकली नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, पैसे देके एडमिशन नहीं होता। कुछ लोग जो बोलते थे कि भाई उससे मैं जलता हूँ, हाँ तो देख लो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, यशगर से मेरी बात हुई थी कुछ महीनों पहले, मैंने क्या लिखा हुआ है ऐसे, बाय द वे योर एडिटिंग इज ग्रेट। अब अगर मैं जल रहा होता तो मैं उसकी तारीफ क्यों कर रहा होता, तो मैं उसको अपने आप से कनेक्ट करूँ। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल किसी से भी जलते हो, तो क्या तुम उसकी तारीफ करोगे या उसके अंदर या अंदर कूड़ोगे, उसकी बुराई करोगे? इसके अलावा यार, सम इंसिडेंट्स ऑफ द नॉर्थ साउथ डिवाइड कैन बी इजीली सीन ऑन कैंपस। अब सीन बहुत ज्यादा नॉर्थ साउथ डिवाइड देखने को मिला है वीआईटी के अंदर बच्चों को। नॉर्थ साउथ डिस्क्रिमिनेशन, हाँ भाई हम लोग का तो इतना ज्यादा नॉर्थ साउथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, रोज मारा पिट्टी होते, मतलब ऐसा रहता है कि दंगे हो जाते हैं कॉलेज के अंदर, मतलब कॉलेज में घुसूस के मारते हैं। कैसी पागलों वाली बात कर रहा है यार, मैं इतना डिप्रेस रहता हूँ, मैं बहुत दिन भर रोता रहता हूँ, इसलिए मैं एक ड्रग खाता हूँ, मतलब एक ड्रग खाता हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस रहता हूँ, मैं इतना ज्यादा डिप्रेस रहता हूँ वीआईटी में कि भाई अपने आप को संभाल ही नहीं पाता, मैं ये ड्रग खाता हूँ। सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान विस्वारी, और ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है हमेशा से, क्योंकि इस वीडियो में अपन एक रिव्यू करेंगे एक इंसान के ऊपर जिसका नाम है यश गर्ग, जो कि डीटीयू में पढ़ रहा है, अपन का सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और पॉलिमर साइंस ब्रांच का है। उसने कुछ महीनों पहले एक वीडियो अपलोड करी थी वीआईटी के ऊपर, जिसने उसके अकॉर्डिंग रिव्यू दिया था, बट अगर तुम ढंग से देखोगे तो वो इतनी ज्यादा बायस रिव्यू है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी अपन वीडियो इस वीडियो के दौरान ही उसमें देखेंगे, और साथ ही साथ तुम लोगों को पॉइंट भी मनगढ़ंत पॉइंट नहीं है, उसके साथ अपन पूरा फैक्ट रखेंगे, पूरा मैं लॉजिकल तुम लोगों को बात बताऊंगा कि भाई अगर उसने ऐसा बोला है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वाली बात है। उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना है कि भैया तुम्हें उसको तब भी फॉलो करना है, अगर तुम्हें उसके रिव्यूज तब भी देखने हैं तो तुम देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और कुछ कुछ एक बात ये भी आ रही थी कि जब मैंने ये पोल डाला कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं उससे जलता हूँ या फिर मेरा चैनल बहुत छोटा है, इसलिए मैं मतलब उसको कंपीट करने के लिए ये सब बोल रहा हूँ और व्यूज के लिए कर रहा हूँ। तो एक बात है, वीडियो को एंटर देखना, मैं कुछ तुम्हें स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा जो मेरे और यश गर्ग के बीच बात हुई, उस स्क्रीनशॉट से तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं उससे जलता हूँ, है ना, क्या मतलब उसका बड़ा चैनल है तो मैं क्या केवल व्यूज पाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोग देख लेना। और साथ ही साथ एक ये वाली बात है कि बस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आधे अधूरे तुम लोग पॉइंट्स देख के जाओगे, फिर तुम लोग कमेंट में बोलोगे भैया उसने तो ये बोला था, आपने तो इंक्लूड ही नहीं करा, इंक्लूड सब करा मैंने, वापस से बोल रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखना वरना मत देखना, तो अभी यार छोड़ के जा सकते हो वीडियो को, मुझे कोई अपना प्रमोशन नहीं करो यहाँ पे, अगर नहीं देखना मत देखना, अभी डिसलाइक कर दो, अभी बंद करना दो कर दो, बट वीडियो अगर तुम लोग ने एंड तक देखा तो जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ नई चीज ही पता चलेगी, और काफी सारी नई चीजें जो कि इस फालतू इंसान ने एक घटिया सी वीडियो तुम्हारे सामने पेश करी। और उससे बड़ी बात, पहले मैंने सोचा कि यार मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाऊं, मतलब ऐसे तो यार बहुत सारे लोग, हजारों लोग पढ़े जो कि आईटी की पढ़ाई करते थे, बट मैंने फिर देखा कि इसके वीडियो के ऊपर कम से कम 1,00,000 के ऊपर व्यू है, मैंने सोचा कि यार 1,00,000 मतलब 1,00,000 से ज्यादा बच्चे मिसगाइड हुए, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है एक बार बना के तो देखते हैं, मतलब इसके ऊपर बनाते हैं, इतना भी क्या है इसके ऊपर, मैं यार दो लोगों के मैं रेफरेंस हुआ, एक अपन के अमन धतरवाल भैया, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ उनकी, मैं उनके अपन कुछ कुछ रेफरेंस लेंगे बीच में क्लिप्स में, ठीक है, कि उनका क्या राय रहती है, एक अमन धतरवाल भैया और एक अपन के रहते हैं सचिन राणा भैया, ठीक है, दोनों का मैं बीच में रेफरेंस लूंगा, तो इसी के साथ अपन शुरू करते हैं वीडियो को। वीआईटी वेल्लोर की यार ग्राउंड रियलिटी, और इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो तो मैं कहीं नहीं मिल सकती यार, क्योंकि वीआईटी वेल्लोर को भाई मैंने पूरा भुगता है, मैंने देखा है, उसके काउंसलिंग में मैं गया हूँ, वीआईटी की सीएस में एडमिशन लिया है मैंने, 8 तारीख को ज्वाइनिंग थी 8 जुलाई को, और उससे 2-3 दिन पहले यार फ्लाइट टिकट्स वगैरह सब कुछ कैंसिल करवा के मैं घर में बैठ गया। सबसे पहली बात जो इसने बोली कि इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, डिटेल्ड वीडियो, ठीक है भैया, मतलब इसने केवल काउंसलिंग अटेंड करी और इसको पूरा भैया पता चल गया कॉलेज के बारे में, सारी चीजें पता चल गई, इसने केवल काउंसलिंग अटेंड करी, मतलब इसको पता तक नहीं, इसने कॉलेज में कदम तक नहीं रखा, इसने केवल काउंसलिंग अटेंड करी और इसको सारी चीजें पता चल गई, और मैं वहां पे 1.5 साल से कॉलेज में, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि भाई इसके अकॉर्डिंग तो क्या भाई, मैं आंखों में पट्टी लगा के ऐसे जाता हूँ कॉलेज में, और मतलब जो भी चलते रहता मुझे कुछ नहीं पता होता कॉलेज के बारे में, है ना, मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो तो तुम्हारा यश गर्ग देने वाला है। उससे ज्यादा बात,
जो इसने बोला है कि भाई पूरा पैसा खर्च हुआ मेरा फ्लाइट का आने जाने का, इसने ये सब क्यों नहीं इंक्लूड किया कि जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनकी काउंसलिंग के लिए भी जाना पड़ता है। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ पढ़ के, मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो मेरे भैया है जो मैं बताता रहता हूँ कि आर्मी में, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, भैया आप काउंसलिंग के लिए कहाँ गए थे? उन्होंने लिखा चंडीगढ़, ग्वालियर, भोपाल। फिर मैं लिखा भोपाल बीआईटी के लिए गए होंगे, चंडीगढ़ और ग्वालियर, चंडीगढ़। उन्होंने लिखा थापड़। मतलब अगर अपन को थापड़ की काउंसलिंग करवानी होती है उसके लिए अपन को चंडीगढ़ जाना पड़ता है। अगर तुम्हें एमएचटी सीईटी का एग्जाम भी देना होता है तो तुम्हें केवल एग्जाम देने के लिए ही महाराष्ट्र जाना पड़ता है, काउंसलिंग तो चलो बात की बात है। उसके अलावा जो अपन के कॉमेट के कॉलेजेस, मैंने वो भी इंक्लूड करा, मैंने यहाँ पे लिखा है और कॉमेट के वाले के लिए भी बैंगलोर गए थे या ऑनलाइन ही हो गए, ऑनलाइन फिर बैंगलोर, मतलब उनको बैंगलोर भी जाना पड़ा था उस काउंसलिंग के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, काउंसलिंग के लिए आप बैंगलोर गए थे, उन्होंने लिखा है हाँ। उसके अलावा जो अपन का आता है WBJEE, जिससे अपन का जादवपुर मिलता है, उसके लिए भी भैया वो तो केवल 2-3 स्टेट्स में करवाते हैं एग्जाम, उसके लिए भी अपन को जाना पड़ता है। तो इसने वो वाला पॉइंट क्यों नहीं इंक्लूड करा कि भैया ये तो एक जनरल सी चीज है कि इतने सारे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए तुम्हें वहां जाना पड़ता है। तो मतलब एक मेथोडोलॉजी इसकी समझ रहे हो, ये केवल चाह रहा है कि इसको कोई ना कोई पॉइंट मिल जाए कि भैया मैं बीआईटी बोला करूं, तो मैं यही बोल देता हूं कि भाई तुम्हें तो अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा फ्लाइट टिकट बुक कराने के लिए और तुम्हें केवल काउंसलिंग में बैठने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये तो भाई इतने सारे मैंने एग्जाम्स की तुम्हें लिस्ट दे दी, तुम्हें सामने दे दी, तो तुम्हें इसके लिए भी जाना पड़ता, तो इसमें ऐसा इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये वाली बात समझ में नहीं है। और उससे बड़ी बात इसका पैसा लगना, अरे हाँ एक मेन बात ये मैंने बताना भूल गया कि डेफिनेटली काउंसलिंग में जाके तो अपन कुछ सीखने नहीं वाले। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर कोई कॉलेज की काउंसलिंग में जाओगे, कोई भी प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में तुम गए, तो वहां पे होगा क्या ज्यादा? तुम वहां पे जाओगे, वहां पे सामने स्क्रीन चल रही होंगी, वहां पे सीट चल रही होंगी कि भैया अच्छा सीएस की इतनी सीट बची हुई है, अपन की केमिकल की इतनी, सिविल की इतनी। तुमने यहाँ पे कुछ जाके सीखा कि कॉलेज में क्या क्या है? तुमने यहाँ पे कुछ देखा? नहीं देखा। मतलब इसने यहाँ से ये जो अपन का मेंटेलिटी थी कि पहले ही बना ली थी वीडियो में कि भैया वीआईटी तो खराब ही है, क्योंकि तुम ये सोचो ना कि काउंसलिंग में जाके ये क्या सीख लेगा। मैं इसको और अच्छे एनालॉजी से समझाता हूँ। एक तुम ये समझो, एक कार शोरूम है ना, कार शोरूम है, उसमें अपन को एक ट्रांसपेरेंट ग्लासेस से वो कवर्ड है, ट्रांसपेरेंट नहीं सॉरी ओपेक ग्लासेस से वो कवर्ड है। ये गया, ये यश गर्ग, ये गया, ये बाहर खड़े होकर इसने देखा शोरूम, अच्छा यहाँ से ये कार का शोरूम है। इसने केवल बाहर से देखा, ये अंदर तक नहीं गया कि अंदर कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं, और ये बाहर से बोला भैया मुझे तो इस शोरूम के बारे में सारी चीजें पता है, ये शोरूम घटिया, ये इसकी कारें घटिया होती, सब घटिया होता। भाई जब तू ना कुछ पता ही नहीं है तो कैसे बोल सकता है? और इसके बाद फिर बताओ कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भैया वो तो अपना परसेप्शन रख रहे हैं ना, अपने रिव्यू रख रहे, तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? अगर भाई अपना परसेप्शन अपना रिव्यू रख रहा है तो ये वीडियो में क्यों बोल रहा है कि इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो कहीं नहीं मिलेगी? जब इसने अटेंड ही नहीं किया तो मतलब इसको सब पता है और इतना पैसा खर्च हुआ है तो। और हाँ, इसने खुद भी अलग अलग उसमें बता रहा था कि भाई मैं तो ये वाला एग्जाम छोड़ के आया हूं, मैं वो एग्जाम छोड़ के आया हूं, मैं थापड़ छोड़ के आया हूं। तो उसने ये क्यों नहीं बताया कि भाई तेरा थापड़ में खर्च नहीं होने का पैसा, तू थापड़ भी तो गया था काउंसलिंग के लिए, तब तेरे पैसे खर्च नहीं हुए, ये क्यों नहीं पॉइंट इसने इंक्लूड किया? आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीबॉडी, ठीक है, ये जो है एक ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यू है जो मेरे को लगता है, ठीक है, मेरी ओपिनियंस हैं ये। डोंट मीन टू ऑफेंड एनीबॉडी, तुम इसको ऐसे समझो कि कोई स्ट्रेंजर आके तुम्हें माँ बहन की गाली बकता है। अब मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि अबे तू एमसी है, तू बीसी है, तू बीकेएल, तू चू डैश है, और फिर बाद में बोलता है पर तू दिल का अच्छा है यार, तो तुम इसको क्या कोई स्पोर्टिंग में लोगे? अपने आप से पूछो, तुम इसको क्या कोई स्पोर्टिंग में लोगे? नहीं ना। तो इसका भी यही है कि पहले ही पूरी दो दो वीडियो बनाकर बुराई करने के लिए, फिर एंड में अपने डिफेंस में भाई ये तो मेरा ओपिनियन है, अब बाकी तो आप देख लो, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं, मतलब कोई सेंस है इस बात की? NIRF 2020 में इसको दिया है रैंक 15th और बिट्स को और IIIT हैदराबाद को 30-40 में दे रखी है रैंक। क्यों? जो इसके क्यों का जवाब है ना, ये जाके गूगल पे सर्च करें। पहली बात, जो NIRF रैंक होती है वो मैं खुद कभी नहीं बोलता हूँ कि भाई तुम्हें NIRF रैंक के बेसिस पे ही तुम्हें कॉलेज डिसाइड करना चाहिए, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। बट तुम एक बात, ये वाली बात समझो कि NIRF रैंक के अंदर कुछ पैरामीटर्स आते हैं। मुझे भी पहले शक होता था कि भाई NIRF ऐसे क्या कोई रैंडम देता है रैंक, फिर मैंने उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखा कि वो किस किस पैरामीटर्स को इंक्लूड करते हैं। इसको वापस से मैं एनालॉजी से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम समझो CBSE स्कूल्स की अपन की लिस्टिंग होती है, मतलब उनकी रैंकिंग आती है हर साल। अब क्या ऐसा है कि जिस स्कूल से CBSE टॉपर निकलेगा वो ही ऑल इंडिया बेस्ट स्कूल होने वाला? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो लोग बहुत सारे पैरामीटर्स और को भी देखते हैं। वो ये भी देखते हैं कि अच्छा भाई कितने सारे टीचर्स हैं, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो कितना है, वहां पे कितनी एक्टिविटीज कराते हैं। अब तुम इसको ऐसे समझो कि एक स्कूल है जहां से टॉपर निकला, बट वहां पे फैसिलिटीज इतनी प्रोवाइड नहीं कराते क्योंकि वहां पे केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस करता है, वहीं पे दूसरा
जो थोड़ा मीडियम है वहां पे पढ़ाई भी ठीक ठाक कराते हैं, वहां पे फैसिलिटीज ज्यादा, तो वहां की रैंक उसकी डेफिनेटली अच्छी आएगी। तो क्या मतलब ये स्कूल वाले बोलने लगे कि भाई ये तो फ्रॉड रैंकिंग है, आपने हमें कैसे दे दिया। बात क्या है मेरा, बात इंपॉर्टेंट यहाँ से ये कि भाई तू पैरामीटर्स को देखना, किन किन पैरामीटर को इनसाइड ले रहा है। मैं तो खुद कभी नहीं बोलता कि NIRF को लो, बट इंस्टीड ऑफ ये पूछने की जगह कि भाई NIRF ने VIT को 15 कैसे दी, इसे ये पूछना चाहिए कि NIRF के फैक्टर्स क्या है। इंस्टीड पूछना नहीं, इसको ये बताना चाहिए कि NIRF के अंदर कौन से फैक्टर्स आते हैं और कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे कॉलेज की रैंकिंग्स की जाती है। तो मैं मानता इस बात को कुछ, मतलब अगर अपन इसको रीजनेबल मान लो तो। बट फॉर प्लेसमेंट्स ओवरहाइप्ड भाई, ठीक है लिख भी रहा हूं बड़ा बड़ा, ओवरहाइप्ड है प्लेसमेंट्स भाई, जितना तुम्हें दिखाया जाता है उतना है नहीं। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, 3-4 बच्चों से बात करी है जो VIT वेल्लोर में पढ़ रहे हैं और उसके बाद बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, क्या इसने बोल्ड में लिखा है ओवरहाइप्ड? ओवरहाइप्ड का मैं एक बार मीनिंग देखते हैं। मेक एक्सेजरेटेड क्लेम्स अबाउट अ प्रोडक्ट आइडिया और इवेंट या फिर पब्लिसाइज और प्रमोट एक्सेसिवली। ठीक है, अच्छे से समझ में नहीं आऊंगा मैं इसको, और अच्छे से समझाता हूँ। ओवरहाइप का मतलब क्या होता है, जैसे अपन के जो स्टार किड्स होते हैं मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली जो अपन के होते हैं उनकी, चाहे बहुत सारे लोगों की एक्टिंग अच्छी नहीं रहती है बट तब भी उनका नाम होता है, तो अपन बोलते ना यार कुछ ज्यादा ही इसको ओवरहाइप कर रखा है। क्यों? क्योंकि इसके पेरेंट्स अच्छे बड़े स्टार थे, तो अपन तब बोलते ना अरे यार इसकी एक्टिंग वैक्टिंग अच्छी नहीं, बस इसको फालतू का ओवरहाइप कर रखा है क्योंकि इसके पेरेंट्स स्टार है। वो यहाँ पे अप्लाई कैसे होता है? क्या कभी VIT ने बोला कि वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट प्लेसमेंट इन द कंट्री या फिर वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द 25 लाख पैकेज इन द इंडिया? कभी उन्होंने ये बोला कि भाई हम तो 25 लाख एवरेज पैकेज दे रहे, हम तो 30 लाख एवरेज पैकेज दे रहे? उन्होंने सीधा बोला कि भाई हम लोग का एवरेज पैकेज 6-6.5 लाख है। तो एवरेज कम होना एक बात अलग होती है, ओवरहाइप करना बात अलग होती है। ओवरहाइप का तो मतलब यही होगा कि यार कल से लोग बोले ना कि VIT वाले कि भाई हम तो 25 लाख का एवरेज पैकेज दे रहे और असलियत में कोई ज्वाइन करे और वो एकदम ही फ्रॉड बन जाए और उसको बोले कि भाई तू तो भाई 6 लाख का एवरेज ले रहे। अब ऐसे तो यार फिर इसके लिए बहुत सारे हरी कॉलेज ओवरहाइप हो जाएगा। क्यों? अब क्योंकि जादवपुर, तुम लोग को पता है जादवपुर का CS का एवरेज पैकेज ज्यादा है NIT Trichy के एवरेज पैकेज से, तो क्या NIT Trichy ओवरहाइप करने लग गया? सबको पता है NIT Trichy इंडिया का बेस्ट NIT आता है, तो मतलब क्या वो ओवरहाइप प्लेसमेंट दे रहा है? ओवरहाइप नहीं दे रहा। अपन ये बोलेंगे ना कि अच्छा वो जादवपुर से उसका थोड़ा सा कम है, अपन ये बोलेंगे, अपन ये कभी नहीं बोलेंगे कि ओवरहाइप है। तो ये वाली केस तो यहीं पे आता है ना कि VIT प्लेसमेंट दे रहे, हाँ मान लिया कम दे रहा है, बट अगर कम दे रहा है तो ये भी समझ लो कि जो अपन के नए नए NIT स्कूल है ना, जो अपन के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो अपन के सेवन सिस्टर के साइड बोले, उनका एवरेज पैकेज VIT से भी कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई VIT की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ से ये बोल रहा हूँ कि उनका तो उससे भी कम है, तो फिर इनको क्या बोलेगा ओवरहाइप से? कोई बड़ा वर्ड अगर इसको मिल रहा है तो ला दे भैया। अच्छी कंपनीज भी आती है यार, माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न भी आते हैं यहाँ पे और बच्चे लेके जाते हैं, लेकिन जब उसकी तुम परसेंटेज निकालने बैठोगे 8,000 पे भाई, तुम कुछ भी डिवाइड कर लो, 10 ले लो, 20 ले लो बच्चे भाई, 30 ले लो, कुछ भी ले लो भाई तुम, वो बहुत बहुत छोटा परसेंटेज होता है, तो बिल्कुल फाइट मारनी पड़ेगी यार। अगर अब बात आई फ्रैक्शन के ऊपर, फ्रैक्शन हर कॉलेज में छोटा होता है। अगर तुम ये समझोगे कि जो टॉप प्लेसमेंट्स उखाड़ के ले जाते हैं तो वो कुछ गिनती के बच्चे ले जाते हैं, जैसे तुम IIT के भी पढ़ते होगे, पेपर में न्यूज़पेपर में आता है कि भैया इसको 1 करोड़ का पैकेज लगा, इसको 1.5 करोड़ का पैकेज लगा, तो वो कितने लोगों को लगता है? 1 या 2 लोगों को, बाकी लोगों का क्या? फ्रैक्शन तो कम है, फ्रैक्शन भाई हर ही जगह कम होता, उसको छोड़ो, तो इसका DTU का ले लेते हैं अपन। तो क्या इसके DTU के कंप्यूटर साइंस के सारे बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस होंगे, फिर सारे बच्चे गूगल में प्लेस होंगे? कुछ बच्चे होंगे ना प्लेस, तो भाई फ्रैक्शन तो हर जगह ही कम है। और जिसने बोला फाइट मारने की बात है, मैं तुम्हें पहली बात बताता हूँ, तुम अगर प्राइवेट कॉलेज में हो तो तुम्हें फाइट मारना पड़ेगा, चाहे तुम प्राइवेट में हो चाहे तुम IIT में हो, तुम्हें फाइट मारना ही पड़ेगा। बट हाँ ये वाली बात है कि IIT में थोड़ा कम मारना पड़ेगा, NIT में कम मारना पड़ेगा, बट हाँ प्राइवेट कॉलेज में मारना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ये तुम एक्सेप्ट करके बात रख लो, ठीक है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है, जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा। एक पेड जिम होती है जिसकी फैसिलिटीज अच्छी है, वहां पे ट्रेनर वेनर रखे हैं, और उसके अलावा एक फ्री जिम होती है जिसमें भाई पूरा भीड़ भड़क का मजा होता है, लड़ाई वड़ाई करके भाई बॉडी बन जाएगी, वहां पे एक्सरसाइज करने के लिए मशीन तो मिलने नहीं वाली, तो भाई इसलिए तो उसको फ्री रखा हुआ है ना। अगर वो लोग सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देंगे तो फिर फ्री का मतलब क्या हो? मतलब तुम इसको ऐसे समझो, उनके पास इसने फ्री का इतनी जब बुराई करी तो फिर ये पेड के भी तुम्हारे में बोले, जो पेड जिम है ना हम लोग के इतना अच्छा है कि वो जितना जो अपन के बड़े बड़े जिम होते हैं ना, जैसे गोल्ड जिम हो गया जो तुमने नाम सुना, जो ऑल इंडिया फेमस है, इसके लेवल का होता है। और अगर तुम वहीं पे सरकारी कॉलेजेस की जिम की भी बात करोगे ना, कोई इतने खास नहीं होते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मतलब कि कुछ कुछ कॉलेजेस में डेफिनेटली अच्छे होंगे, बट जो सरकारी कॉलेज और कुछ कुछ सरकारी कॉलेज में तो होते तक नहीं, ठीक है, तो इसको बस कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था, तो ठीक है ये जिम पे ही उठा लो अपना पॉइंट। तो प्रोफेसर जो है वो काफी ज्यादा क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन दिस डज नॉट मीन दैट दे कैन टीच वेरी वेल, इट डज नॉट मीन दैट दे टीच वेरी वेल।
पहली बात ये समझो, कॉलेज में आके तुम्हें कोई कुछ की नहीं कराने वाला। ये जमाना गया, मतलब केवल 12th तक थी जब तुम्हें टीचर्स मदद करने वाली थी, कॉलेज में आके तुम्हें घंटा कोई मदद नहीं करने वाला। और तुम्हें अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम अमन भैया की ही वीडियो देख लो। कॉलेज आपको हाथ पकड़ा के उस बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, पढ़ना उस बच्चे को ही पड़ेगा, राइट? सुन लिया, बात समझ में आ गई कि भैया कॉलेज में कोई अपन को स्पून फीड नहीं करने वाला। और उससे बड़ी बात यार, अमन भैया ने खुद अपने वीडियो में कितनी बार बोल रखा है कि तुम्हें खुद ही उखाड़ना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ में लाके कोई थाली नहीं देंगे। तो इसने बोला कि भैया दे डज नॉट टीच एनीवेयर, ये हर कॉलेज का भाई सेम ही है, चाहे तुम NIT में चले जाओ चाहे IIT में चले जाओ, प्रोफेसर क्वालिफाइड तो होते हैं, अच्छे पढ़ाने वाले नहीं होते। उससे बड़ी बात, अगर अपन यहाँ पे सचिन राणा भैया का मैं जो बोल रहा था क्लिप दिखाऊंगा, सचिन राणा भैया ने पता है वो वाली वीडियो डाउन कर दी। जैसे मैं वो काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब 1.5 साल तो मुझे कॉलेज में हो गया, उसके पहले 2 साल, मतलब लगभग 3 साल के आसपास से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने एक बार वीडियो डाली थी, मतलब वो काफी सैड थे, काफी दुखी थे, तो उन्होंने अपनी जर्नी बताई थी कि भैया उनकी IIT बॉम्बे में जो उनके टीचर्स उनको पढ़ाते हैं वो इतने अच्छे नहीं है। हाँ डेफिनेटली 1-2 टीचर बहुत अच्छे हैं उनके पास, जो उन्होंने बताया बहुत रिनाउंड है, बहुत अच्छे हैं, बट उन्होंने बताया था कि यार मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इतने मेहनत करके यहाँ पे IIT बॉम्बे में, और फिर मैं जब यहाँ पे देखता हूँ टीचर्स स्लाइड्स में पढ़ा रही हैं, बहुत ही बिल्कुल ही डिमोटिवेटेड होकर पढ़ा रही हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो वाली वीडियो अगर किसी ने देखे तो नीचे जरूर कमेंट कर देना ताकि लोगों को भी पता चले। उन्होंने पूरा बताया कि यार मेरी इतनी स्ट्रगल करने के बाद फिर थोड़ा बुरा लगता है कि यार यहाँ पे मैं आया हूँ और टीचर्स अब ऐसे। ये हर तुम कोई भी IIT में चले जाओ, कोई भी NIT में चले जाओ, ये सिमिलर केस हर जगह है कि भैया टीचर्स तुम्हें पहली बार देखो ये वाली चीज एक्सपेक्ट ही नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारे टीचर अच्छे होंगे। तुम्हें क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कॉलेज से मैं बताता हूँ। पहला कि वो कॉलेज तुम्हें सारी कंपनीज ला के दे, पहला। दूसरा कि वो एक उस कॉलेज में भैया वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल किसी ने बायोटेक या फिर केमिकल ब्रांच किया, उनमें तो डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े, तो उनके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है। तो अपन को इक्विपमेंट्स दें, वो अपन को फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, और अपन के पास एक पीयर ग्रुप अच्छा हो ताकि एक कॉम्पिटेटिव वाली फीलिंग बनी रहे। उससे ज्यादा तुम्हें कुछ घंटा एक्सपेक्ट नहीं करना। अगर तुम्हें ये वाली बात, ये सेम टू सेम वर्ड्स अमन दत्ता भैया, मेरा नजरों में एक अच्छा कॉलेज वो है जो कि आपको अच्छी पढ़ाई करा दे, सारी लैब्स रिसर्च अपॉर्चुनिटी वगैरह सारी चीज दे, प्रोफेसर अच्छे दे, ठीक है, एक अच्छा कैंपस दे आपको, अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे, जो कि ये कॉलेज कर रहा है। और दूसरा होता है कि वो आपको कंपनीज ला के दे जिससे कि आप फोड़ सको, जो कि ये 700 कंपनियां ला के दे रहा है। अब उसके बाद फोड़ने का काम बच्चे का होता है यार। इसके खुद के कॉलेज में भी यही होगा कि भाई सारे टीचर कोई अच्छे नहीं होने वाले, तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसको कुछ नहीं यार बुराई करनी थी, अब कुछ पॉइंट मिल नहीं जाता तो ये वाला पॉइंट ही घुसेड़ देते हैं कि भाई दे डोंट टीच वेरी वेल। ओवरहाइप प्लेसमेंट्स, दूसरी चीज मैं बता चुका हूँ तुम्हें, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, 8,000 बच्चे भाई फर्स्ट ईयर में, सोच। ओवरहाइप प्लेसमेंट्स, इसकी तो चलो अपन ने बात कर ही ली है। और दूसरा जो इसने बोला कि 8,000 बच्चे, पहली बात वो 8,000 नहीं है, कम है ना, अब एग्जैक्ट फिगर क्या है वो मुझे याद नहीं है, बट 8,000 कम। और उस 8,000 में बताओ बहुत सारे इंक्लूडेड रहते हैं, उसमें MTech के भी बच्चे रहते हैं, उसमें MBA वाले भी जिनको मतलब जो रहते हैं वो रहते हैं, तो 8,000 वो एग्जैक्ट 8 नहीं होते, वो कुछ 6.5 या 7 होते हैं। अब बात आती है कि हाँ ये मैं खुद मानता हूँ कि भैया बच्चे बहुत है, मतलब टू बी ऑनेस्ट ये मैं खुद इसको एक थोड़ा डिसएडवांटेज मानता हूँ कि भैया बच्चे बहुत है, थोड़े कॉम्पिटिशन होते हैं। बट एक ये वाली बात है कि एक बात होती है कि चाहे सच्चाई कड़वी हो तो उसको अपन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। मैंने मान लिया भाई बच्चे बहुत ज्यादा है तो इसको क्या मतलब है, मैं 4 साल तक अपनी बीटेक के कोर्स में ये रोता रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज्यादा मुझे कॉम्पिटिशन बहुत मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो और मेहनत करो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं वापस एक एनालॉजी से समझाता हूँ। कोचिंग्स है बहुत सारी अपन की, कोटा की या फिर ये, सबसे बड़ी बात LN, अब मैं खुद ही LN में पढ़ा हूँ तो मुझे पता है LN में इतने सारे बच्चे होते हैं, तुम्हें पता है कितनी भीड़ भड़कती रहती है, तब भी बच्चे ज्वाइन करते हैं उसको। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हें क्लास के में कितने बच्चे, तुम उससे क्या लेना देना, तुम ये बताओ ना तुम्हें क्या लेना, चाहे 8,000 बच्चे हो चाहे 10,000 बच्चे हो। फॉर तुम्हें 4 साल के बाद जब तुम कोई कंपनी के इंटरव्यू में बैठोगे तो जब तुम कोडिंग राउंड में अपना टेस्ट दे रहे होगे वो कोड तुम्हें खुद लिखना है, तो मतलब तुम्हें खुद अपने आप को डेवलप करना है। अब चाहे वहां पे 8,000 बच्चे हो चाहे वहां पे 16,000 बच्चे हो, हाँ कॉम्पिटिशन ज्यादा रहेगा, बट उस कॉम्पिटिशन के तुम फायदे भी तो देखो ना, अपन को यार हर चीज के फायदे निकालने भी आने चाहिए। अब जैसे एजुकेशन सिस्टम में अपन को पता है बहुत सारी खामियां, अब जो नई पॉलिसी है उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, जो पुरानी पॉलिसी थी कितनी सारी खामियां, अपन कितना उसमें मतलब अपना गुस्सा रहते हैं, अपन अपने मतलब पूरी भड़ास निकालते रहते हैं, बट तो क्या अपन पढ़ना छोड़ देते हैं उसके, मतलब पढ़ना नहीं छोड़ देना, मतलब अपन उसको एक्सेप्ट करते हैं कि भैया यही अपन की एजुकेशन सिस्टम है, अपन को इसको लेके ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही है ना यार, एक्सेप्ट करो कि ठीक है हाँ भाई यहाँ पे बच्चे ज्यादा है, अपन को खुद करना पड़ेगा ना सर। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भैया अगर बच्चे ज्यादा भी हैं तो मुझे क्या लेना देना। मैं अपनी कोचिंग का ही बता दे रहा हूँ, मेरे बैच में बहुत सारे बच्चे थे लेकिन मैं कुछ ध्यान नहीं देता था, मैं कुछ फर्स्ट या सेकंड बेंच पे बैठता था, अब पीछे बच्चे चाहे गेम खेले कुछ भी करें मुझे कुछ लेना देना, वैसे तुम्हारा भी होना चाहिए, चाहे जितने बच्चों क्या लेना देना यार तुम्हें। एक जनरल पब्लिक परसेप्शन है, ठीक है, VIT को जैसे इसे बोलते हैं लुटेरा कॉलेज है, डाकू कॉलेज है, चोर है, थीफ है, ये मतलब
ऐसे ही वर्ड से एसोसिएट किया जाता है कि चोर लुटेरा डाकू। मैं तुम्हें इसकी कहानी बताता हूँ कि ये चोर वर्ड आया कहां से। ठीक है, सबसे पहले कुछ सालों पहले अमन भैया ने अपनी मेन चैनल पर ये वीडियो डाली थी PIT के ऊपर, तो उन्होंने उसमें बोला था कि यार VIT को चोर यूनिवर्सिटी जैसा बोलता है। लेकिन अभी तुमने रिसेंटली अमन भैया की वीडियो देखी होगी तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अब बात आती है कि जनरल परसेप्शन, तुम खुद पूछो, अपने आप से पूछो, तुमने ये परसेप्शन कब सुना था कि VIT इज अ चोर यूनिवर्सिटी? इसकी वीडियो देख के, या तो इसकी वीडियो देख के तुमने सुना होगा, या तो तुमने अपने दोस्त से सुना होगा। अगर जिस दोस्त से सुना उस दोस्त से पूछना कि तुमने कहां से सुना, उसने भी कहीं से सुना नहीं होगा, उसने भी इसकी वीडियो देखी होगी। तो मतलब कोई परसेप्शन बना नहीं है, बस ये जो इन जैसे गधे होते हैं ना, इन जैसे गधे ही इस चीज को प्रमोट करते हैं कि भाई परसेप्शन बना हुआ है। कुछ है नहीं परसेप्शन, मतलब कुछ है भी नहीं, बोल देना भाई ये तो परसेप्शन बना हुआ है भाई कि ये तो चोर। और एक मिनट, चोर यूनिवर्सिटी क्या मतलब, किस चीज की चोरी करी तुम्हारा, तुम्हारा पैसा ले लिया, मतलब क्या मतलब? अगर इतना ही है तो तुम ठीक है ना, कैटेगरी वन में आके फीस कम देके भर, किस चीज की तुमने तुम्हारा क्या चुरा लिया इन्होंने, फालतू का चोरी यूनिवर्सिटी। पर वही बोल रहा हूँ ना कि इसको बस डिफेम करना है, तुम खुद चलो मेरी बात छोड़ो, तुम अमन भैया पे भरोसा रखते हो, उनकी जाके वीडियो देख लो तुम VIT के ऊपर, अगर उन्होंने ऐसा कुछ दे रखा हो। अभी तो मैं और भी बातें बताऊंगा यार, जो कि इसने पता नहीं कितनी फालतू की बोल रखी है। और सबसे बड़ी बात, परसेप्शन है नहीं, परसेप्शन ये बनाने की कोशिश कर रहा है। जेई से भाई एक महीने पहले तुमने भी देखा होगा VIT के तुम्हारे पास वो पता नहीं दस सो कॉल्ड ब्रोकर्स जो होते हैं वो करने लग जाते हैं मैसेज कि हम करा देंगे। तो मेरे को नहीं पता कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से दिक्कत है यार, ये जो ब्रोकर्स हैं ये कुछ गलत बोल रहे हैं। ऐसा क्यों है यार? क्योंकि ये जो इनकी एग्जॉर्बिटेंट कैटेगरी फीस वाला सिस्टम है कि पैसे दो और घटिया रैंक पे भी तुम्हें अच्छी स्ट्रीम मिल जाएगी, तो वो वाली चीज़ गलत है यार। पैसे दे के या फिर ब्रोकर की बात, मैं यहाँ पे ब्रोकर की बात बताता हूँ। मुझे 1.5 साल हो चुके कॉलेज ज्वाइन करे, मुझे आज भी मैसेज आते हैं ब्रोकर्स के, मतलब कि भैया ये लोग मुझे अपन के जितने कॉमेंट के कॉलेज है ये मुझे आरवी में ज्वाइन करवा देंगे, ये मुझे रमैया में ज्वाइन करवा देंगे। ये सबको पता है यार ये फेक होते हैं भाई। अब ब्रोकर तो यार ये काम ही करेंगे, तो इसने इस पॉइंट को इंक्लूड करने का मतलब ही क्या था, मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि कॉलेज, हाँ एक मिनट, इसने बोला कि कॉलेज 8,000 बच्चे भरते तो इनको ब्रोकर की क्या जरूरत है। ठीक है, मैंने मान लिया, चलो अगर मैं इसकी बात पे चलूं तो इसने बोला कि 8,000 बच्चे, मैंने मान लिया चलो ठीक है 8,000 बच्चे भर रहे, तो जब इतने सारे बच्चे खुद ही आ जा रहे हैं तो कॉलेज को किसी ब्रोकर की क्या जरूरत। और उससे बड़ी बात, कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि हमारी तरफ से तो भैया कोई भी ब्रोकर नहीं है। और उससे बड़ी बात, तुम अमन धतरवाल भैया के मुंह से भी सुन लो कि भैया ये ब्रोकर रियल है या फिर नकली। पैसे देके एडमिशन, ठीक है, ये बेसिकली नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, पैसे देके एडमिशन नहीं होता बस। और ये पब्लिक परसेप्शन यार काफी ज्यादा हर्ट करती है। VIT सुन के ही मतलब अजीब सी क्रिंज वाली फीलिंग आ जाती है लोगों के मन में। क्रिंज फीलिंग, अच्छा मतलब अपन को गंदी फीलिंग आती है कि हाँ मैंने VIT क्यों ज्वाइन कर लिया। अब मैं एक बात बताता हूँ, 4 साल बाद कोई भी पूछने वाला तुम्हारा कॉलेज कौन सा, जो मेरे एक भैया जो मैंने बताया गूगल में, उनसे कोई नहीं पूछता है कि भाई तू गूगल में, उसके पहले तू कौन से कॉलेज में था। और जो इसने रीजन बताया कि एग्जॉर्बिटेंट फीस, बहुत ज्यादा फीस है, तो एक बात बताओ अगर इतने ही है तो कैटेगरी वन में लाके कर लो ना, किसी ने रोका तो ना, किसी ने रोका। और इसके अकॉर्डिंग तो भैया सारे अच्छे बच्चे तो दूसरे कॉलेज में निकल जाते हैं, तो मतलब VIT में कौन आता है? जिनका कहीं पे भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो तो वो VIT में आ जाता है। मतलब VIT में तो मतलब रैंक लाना आसान है, अगर रैंक लाना आसान है तो भाई कैटेगरी वन में ले आओ। और उससे बड़ी बात, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि एग्जॉर्बिटेंट फीस है, बहुत महंगी फीस है, मैं उनसे बस एक चीज पूछना चाहता हूँ। इसको सबसे पहले मैं एक कोचिंग का एग्जांपल दूंगा, इससे तुम लोगों को एनालॉजी से रिलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल तुमने 11th क्लास में ज्वाइन करी कोई अच्छी कोचिंग, बड़ी कोचिंग, अब वहाँ पे उसकी फीस बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली तुम बोलते हो कि भैया कुछ स्कॉलरशिप मिल पाएगी क्या? तो वो लोग बोलते हैं कि आप हमारा एक टेस्ट दो, अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब तुम्हारे उस टेस्ट, तुमने टेस्ट दिया, तुम्हारे उस टेस्ट में नंबर नहीं है तो मतलब वो तुम्हें स्कॉलरशिप, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं है तो मतलब वो तुम्हें स्कॉलरशिप भी नहीं देने वाले, मतलब तुम्हारी फीस ज्यादा लगने वाली है। बट तुम चाह रहे हो कि भाई मुझसे ये लोग फीस भी कम लें, मतलब ये लोग मुझे स्कॉलरशिप भी दें, मेरे नंबर भी नहीं आए और ये लोग मुझे टॉप बैच में रखें, तो ये क्या स्ट्रॉबेरी दुनिया चल रही है जो तुम्हें सब कुछ हाथ में मिल जाएगा? ये सेम यहीं पर इसमें भी आ जाता है VIT केस में, तुम्हारी रैंक भी अच्छी नहीं आई, तुम ज्यादा फीस पे करने को भी तैयार नहीं हो, और फिर तुम चाह रहे हो कि तुम्हें VIT का CS मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? और उससे बड़ी बात, जो इतना ये नेगेटिव बना के रखा ना, ये इसका तो एक दो पॉजिटिव साइड भी, एक दो पॉजिटिव साइड क्या भाई, अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो यार उन लोगों के लिए तो ये ठीक बात है ना। अब तुम ऐसी बात समझो, जिनकी फॉर एग्जांपल NIT में अच्छी रैंक नहीं है या फिर अपन का JEE मेंस में अच्छी रैंक नहीं है, तो क्या उनके पास कुछ पढ़ने का अधिकार नहीं है? ठीक है उनकी चलो VIT में थोड़ी पीछे रैंक आई, तो क्या उनके पास पढ़ने का कुछ अधिकार नहीं, उनको अच्छे चीजें पढ़ने का अधिकार नहीं? हाँ ये मैं खुद मानता हूँ कि ज्यादा फीस देके लोग CS में आ रहे हैं, ये थोड़ा गलत बात है, बट मैं वापस से वही बता चुका हूँ, जो गलत है अगर अपन केवल उसको ही देखते रहेंगे ना तो अपन कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपन पुरानी चीज पे ही अटके रहेंगे। बात समझ में आ रही?
इसके अलावा यार सम इंसिडेंट्स ऑफ द नॉर्थ साउथ डिवाइड कैन बी इजीली सीन ऑन कैंपस. अब सीन बहुत ज्यादा नॉर्थ साउथ डिवाइड देखने को मिला है वीआईटी के अंदर बच्चों को. नॉर्थ साउथ डिस्क्रिमिनेशन, हाँ भाई हम लोग का तो इतना ज्यादा नॉर्थ साउथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, रोज मारा पिट्टी होते, मतलब ऐसा रहता है कि दंगे हो जाते हैं कॉलेज के अंदर, मतलब कॉलेज में घुस घुस के मारते हैं. कैसी पागलों वाली बात कर रहा है यार, मैं 1.5 साल से हूँ कॉलेज में, केवल एक इंसिडेंट हुआ था आज तक. और वो भी बताऊँ इंसिडेंट क्यों, वो शायद कुछ लड़की के चक्कर में हुआ था, वो भी नॉर्थ. अब उसमें कोई इंसिडेंट यार, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, तो उसको इनने बता दिया कि नॉर्थ साउथ हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ इसमें. और इसमें क्या बोला, फ्रीक्वेंटली सीन नॉर्थ साउथ डिस्क्रिमिनेशन, क्या बोलना चाह रहे हैं. मैं तो भाई 1.5 साल से हूँ, मैंने तो नहीं देखा, मतलब फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, पता नहीं ये कहाँ से जो. और ये जो बोल रहा है कि हाँ, और उससे बड़ी बात ये जो बोल रहा है कि मैंने अपने 3-4 दोस्तों से पूछ के बोला है. पहली बात, डेफिनेटली इसके दोस्त इसके जैसे होंगे तो मतलब इसके साइड ही लेंगे. और उससे बड़ी बात, तुम 3-4 लोगों के रिव्यू से कैसे डिसाइड कर सकते हो पूरे 8,000 की पॉपुलेशन. इसने बोला ना 8,000 है, मान लिया 8,000, तो 3-4 लोगों के रिव्यू से कैसे भाई तू डिसाइड कर सकता है पूरे 8,000 की पॉपुलेशन. डिस्क्रिमिनेशन वाली बात पूरी गलत है, पता नहीं कहां से ये बताओ ये कौन है. ये मुझे लग रहा है ये टिकटॉकर तो नहीं, चलो टिकटॉकर थोड़े ज्यादा अच्छे हो जाएंगे सर. ये कोरा पे इन्फॉर्मेशन पड़ता है, कोरा पे तुम लोग को पता है आधी चीजें गलत होती है, और बाद में ये खुद इसने बोला कि ये कोरा से, इसने कोरा से चीजें नहीं है. अभी तुम आगे वीडियो देखना पता चल जाएगा. यार एक चीज ये मेरे को पता चली कि स्टूडेंट्स आर जनरली वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड, और वो कहते हैं कि वीआईटी उनके लिए एक जेल है, कि वीआईटी ने मतलब जो बंदा वहां से कुछ उखाड़ भी रहा है ना, उसने अपनी मेहनत से उखाड़ा है. ठीक, हाँ तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई बहुत डिप्रेस रहती है जनता. एक मिनट भाई, मैं इतना डिप्रेस रहता हूँ, मैं बहुत दिन भर रोता रहता हूँ, इसलिए मैं एक ड्रग खाता हूँ. मतलब एक ड्रग खाता हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस रहता हूँ, मैं इतना ज्यादा डिप्रेस रहता हूँ वीआईटी में कि भाई अपने आप को संभाल ही नहीं पाता, मैं ये ड्रग खाता हूँ. अब बताती है कि भाई उसने खुद ने उखाड़ा है, कॉलेज ने ऐसी कोई मदद नहीं करी है. तो आई गेस इसके ऊपर मैंने तुम्हें डाउट क्लियर कर दिया, कॉलेज कोई मदद नहीं करने वाला, तुम्हें खुद उखाड़ना है जो उखाड़ना, और तुमने अपने प्रिय अमन दत्तरवाल भैया से भी सुन लिया. तो इसके ऊपर मुझे ही लगता कि मैं वही बता रहा हूँ ना कि इसका एजेंडा क्या है, कि भाई कुछ ना कुछ पॉइंट में ढूंढू, कुछ ना कुछ मैं बुराई करूँ. तो ठीक है, कुछ मिल नहीं रहे तो भाई कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा, व्यूज तो चाहिए अपन को, क्या करें. तो भाई डाल दिए. नोटेबल एलम देख लेते हैं. तो यार सबसे पहले आता है मिस्टर नमो कॉल, ये हैं डायरेक्टर ऑफ जेई एंड नीट एट अन अकेडमी. हाँ, जो इसने यहाँ पे नमो कॉल सर का नाम लिया है, इसमें मैं यहाँ पे एक थोड़ी सीख देना चाह रहा हूँ. नमो कॉल कौन है? अन अकेडमी जेई के हेड, अन अकेडमी जेई के जहाँ पे बहुत सारे आईआईटीएंस पढ़ाते हैं. तो अब ये तुम समझो, जहाँ पे इतने सारे आईआईटीएंस अपने रिज्यूमे देते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, उस चीज का हेड एक वीआईटीएन है, मतलब एक वीआईटी से पढ़ा हुआ है. तो क्या मैं इसमें ये बोलना चाह रहा हूँ वीआईटी बहुत अच्छा है? नहीं, मैं इसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर बंदा प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हो या फिर टीयर 4 या और भी अगर दूसरे कॉलेज से पढ़ो, तो उसको कभी भी नीचे वाली नजर से मत देखना, क्योंकि अपन का जनरल एक परसेप्शन रहता है कि यार अपन एक अंदर से पिटी फील करने पड़ते हैं, फालतू में पिटी फील करने लगते हैं उसके लिए. अरे यार बेचारा है गंदे कॉलेज से यार, तो यार पता नहीं यार इसकी अच्छी प्लेसमेंट तो नहीं हो पाएगी, अपन को अंदर से फील लगता है. जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि अब तुम ये खुद सोचो ना, नमो कॉल वीआईटी से पढ़े, अब वो आज खुद अन अकेडमी के हेड है, और अन अकेडमी का जो खुद आईटी के लिए इतने सारे बच्चों को सिलेक्ट करवाते हैं. बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है यार लर्न करने की. एज आई सेड बिफोर, अगर तुम सही में हसल मार सकते हो, फाइट मार सकते हो, तो भाई प्लेसमेंट उखाड़ने से तुम्हें सही में यार कोई रोक नहीं सकता, हसल मार सकते हो. बात ही समझ में आ गई होगी कि भैया पहले तो इसका मतलब, इसका क्या मोटो क्या है, ये भाई ये दोनों साइड से अच्छा बनना चाहता है, कि ये पहले उतार भी थे कॉलेज की, तो ये भाई स्टूडेंट्स के उसमें बन जाए. अब कुछ स्टूडेंट्स इसके अपोज ना हो जाए, तो इसने बोल दिया भाई ये तो मेरा परसेप्शन है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा. भाई ये सबको पता है, कोई बड़ी बात तू नहीं बता रहे है ना, तो कुछ ऐसा बता जो कुछ नया हो और कुछ लॉजिकल और रीजनेबल हो. बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है, इनके अपने कॉलेज के इतने बच्चे हैं, बाकियों का पता नहीं मेरे को. अपने अपने कॉलेज के इतने बच्चे की बाकियों का पता नहीं. अच्छा, ये जो इसने ओवरक्राउडेड वाली बात है, ये पहले भी तो इंक्लूड करी है इसमें, वापस से इसको बताने की क्या जरूरत, मतलब ये क्या सोच रहा है कि मैं एक ही बात को मल्टीपल बार दोहराऊंगा तो वो क्या नई बात बन जाएगी. हाँ मैं, तूने बोल दिया ना एक बार कि हाँ भाई ज्यादा बच्चे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, व्यूअर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ज्यादा बच्चे, वही वाली बात, पॉइंट्स नहीं मिल रहा तो एक ही पॉइंट को घिसे पेटे को रिपीट करते जाओ. मतलब अरे भाई ओवरक्राउडेड बच्चे हैं, अरे भाई ओवरक्राउडेड बच्चे तो प्लेसमेंट में दिक्कत आ सकती है, अरे भाई ओवरक्राउडेड बच्चे तो यार सैड लाइफ तुम जी हो. इफ यू आर रेडी टू पुट योर हेड डाउन, ठीक है, ऐसे करके अगर तुम कर सकते हो भाई अगले 4 साल के लिए काम ही काम, 4 साल हेड डाउन करके कर सकते हो काम ही काम. पहली बात ये समझ लो, बीटेक इंजीनियरिंग जो अपन की बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, ये करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं है,
तो हमें इंजीनियरिंग में मेहनत डालनी पड़ती है। ये केवल मूवीज में दिखाते हैं कि भाई अपन आखिरी के एक दिन पहले, मतलब अपन ने कुछ भी पढ़ाई लिखाई, हाँ आखिरी के एक दिन पहले सब लोग पढ़ते हैं, बट अपन को थोड़ी मेहनत उसमें भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो तुम कोई भी कॉलेज में जाओगे तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और उससे बड़ी बात, ऐसा मत समझो कि अकेला BIT में मेहनत करवाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, MIT, अब मेरे एक दूसरे थोड़े भाई हैं, मौसी के भाई हैं, मौसी के बेटे हैं, तो वो MIT में। अब MIT सबको ही पता है, मतलब एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि यार अमीरों का कॉलेज है, पार्टियां वार्टियां होती है। तो मैंने भी कल बात हुई तो मैंने भी उनसे यही बोला कि यार आपके तो मैंने माहौल सुना ऐसा है। तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा है। तो मैंने बोला मतलब आपके इतना मतलब सीरियसनेस या फिर असाइनमेंट्स ये सब भी चलता है? उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे भी उतनी रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे भी हम लोग को असाइनमेंट मिलता है। उससे ज्यादा बड़ी बात, जो मेरे भैया आर्मी में, वो भी बताते हैं कि भाई वहाँ पे भी असाइनमेंट्स मिलते हैं, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेडलाइंस होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि VIT तुमसे मजदूरी करा रहा। और ये क्या हेड डाउन करके, मतलब क्या मैं ज़ॉम्बी हूँ, मैं ऐसे ऐसे चलूंगा? क्या अकल क्या हेड डाउन करके, क्या मतलब वहां से तुम्हें मजदूरी करवा रहे हैं? कुछ तो भाई पॉइंट लगा, मतलब पॉइंट लगाना भी है तो कुछ फैक्ट के साथ लगा, कुछ कंपैरिजन का बेस भी तो है ना यार, कि भाई हेड डाउन करके क्या मतलब क्या मजदूरी करवाना है तुमसे? अगर इसको असाइनमेंट करना मजदूरी लग रहा है तो फिर मुझे नहीं पता कि ये DTU में क्या करना है। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है अवेलेबल तो थापर या मणिपाल चले जाओ भाई, मैं बता रहा हूँ। थापर और मणिपाल चले जाओ, ये जो तुम थापर की बोलता रहता, मैं तुम्हें एक बात बता दूंगा। मेरी VIT की 4 साल की फीस लगी सब कुछ मिला के, मतलब हॉस्टल हो गया, मेस हो गया, अकेडमिक हो गया, सब मिला के मेरी लगी कुछ 13 लाख। थापड़ की फीस है कुछ 24 से 25 लाख। मैंने कुछ दिनों पहले भी बताया था, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा कि मेरे दोस्त ने लिख रखा है यहाँ पे, है ना, कि भाई फीस कितनी है। अब क्या 25 लाख सबकी सब फैमिली का देना इतना आसान है? और अब यहाँ पे ये मत बोलना कि भैया, मैंने जब उसके वीडियोज भी देखे, इसने थापड़ के ऊपर भी एक रिव्यू बनाया था, तो उसमें इसने बोला, मतलब कमेंट्स है कि भाई तूने लोन का नाम नहीं सुना है क्या? जिसने भी ये पूछा कि भाई भाई मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता भैया, तो किसी ने कमेंट डाला कि भाई तूने लोन का नाम नहीं सुना। मैं उसको बोलता हूँ तो भाई अगर तू इतने ही तू ना अगर लोन का नाम सुना तो ठीक है ना, फिर तू बाहर चले जा, तू इंडिया के बाहर चले जा, वहां पे बीटेक कर आराम से, 1.5-2 करोड़ का तू लोन लेना। लोन लेना कभी अपने पेरेंट्स से पूछता कितना मुश्किल होता है? मुश्किल मतलब उसको, मतलब अपन के मन में टेंशन रहती है कि भैया लोन देना है, और साथ ही साथ लोन नहीं देना, पर को कुछ उसका इंटरेस्ट भी देना होता है। ऐसा नहीं है कि तुमने 12 लाख लिए तुम 4 साल बाद 12 लाख लौटा दो, तुम्हें इंटरेस्ट भी देना होता है ना। और अगर इतने इसको लोन लेने का है तो ठीक है भैया ले लो 1.5-2 करोड़ का लोन, चले ना, नहीं जाते हो ना, क्योंकि पता रहता है अपन को कि भैया हाँ। तो भाई कुछ फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती तो क्या? और उससे बड़ी बात, ये सीधा बोलता है, ये कंपैरिजन का कुछ बेस ही नहीं रखता, ये सीधा बोलता है कि भैया आप मणिपाल चले जाओ, आप थापड़ चले जाओ। अब मान लो थापड़ की कोई सबसे कम प्लेसमेंट वाली ब्रांच, जिसकी सबसे कम प्लेसमेंट जाती है, वर्सेस VIT की CSE, किसका प्लेसमेंट ज्यादा होगा? VIT की CSE का। तो यहाँ पे कंपेयर करें ना कि अच्छा, कि अगर आपको थापड़ का CSE मिल रहा है तो आपका एवरेज पैकेज ज्यादा है VIT के CSE, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। कुछ तो मतलब कुछ ब्रांच के बीच तो कंपेयर बना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि यार IIT, अब यार ऐसे, अब जैसे तुम कंपेयर करो IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, फॉर एग्जाम्पल कंपेयर करो, एक अपन बहुत ही हाइपोथेटिकल केस है, तो ये ट्रू नहीं है, हाइपोथेटिकल, कि किसी को IIT बॉम्बे में बायोटेक मिल रहा है और किसी एक को IIT दिल्ली में, और उसी बंदे को IIT दिल्ली में CS मिल रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल है, ये मत बोलना भैया क्लोजिंग रैंक तो ऐसी वैसी होती है, हाइपोथेटिकल। अब बोलने में तो बोल सकते हैं अरे भाई IIT बॉम्बे तो सबसे ऊपर है, बट भाई ये भी तो देखो तुम कंपेयर किससे कर रहे हो। डेफिनेटली IIT दिल्ली का CSE तो उससे ज्यादा ही एवरेज पैकेज देते कर रहे हैं, जितना तुम वहां पे दूसरे जो अपन की नॉन कोर वाली आ जाएंगी, जैसे अपन की चाहे बायोटेक हो गई या फिर और भी जिसके थोड़े कम प्लेसमेंट्स होते हैं। तो कुछ बेस तो बना है कि ये किस किस ब्रांच को कंपेयर कर रहा है, थापड़ वर्सेज, ये मतलब पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में, मतलब मुझे भी नहीं पता। ठीक है, फिर से यार मैं कहना चाहूंगा किसी को ऑफेंड करने का मेरा मोटिव नहीं था, और वापस अपना भाई डिफेंस में तो आ ही गया है कि ठीक है, फिर से यार मैं कहना चाहूंगा किसी को ऑफेंड करने का मेरा मोटिव नहीं था, समझ ही गया हो कि भाई इसका कोई इंटेंशन नहीं, मतलब पहले पूरी उतारेगा अच्छे से, बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको डिमोटिवेट करने का। तो तुम्हारे भाई ने बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी, भाई जो भी तुम कहो, हार्श रियलिटी, सीक्रेट रियलिटी, या जो भी तुम बोलोगे, यू वोंट बिलीव दिस, सब कुछ भाई इसके अंदर दे दिया है VIT वेल्लोर का। ठीक है, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट आई होप मैंने नहीं छोड़ा। सीक्रेट्स रिवील्ड और यू वोंट बिलीव दिस। मैं तो भाई इस पे यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि इसके वीडियो पे इतना व्यूज कैसे आ गए, मतलब क्या यू वोंट बिलीव दिस भाई इसको तो भाई। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया, भाई ने अपनी काउंसलिंग अटेंड करी है तो हाँ इसको डेफिनेटली ज्यादा पता होगा। प्लीज मैं बता दूंगा भाई VIT वेल्लोर के बारे में, तो ऑल क्वेश्चंस आंसर्ड वाली पॉलिसी है, सब कुछ पता है तुम्हारे भाई को, बिल्कुल इन डेप्थ देखा है VIT को। एक बार इसकी वापस से बात सुनना, क्या इसके सब कुछ पता है तुम्हारे भाई को, बिल्कुल इन डेप्थ देखा है VIT को, सब कुछ पता है तुम्हारे भाई को। हाँ भाई, हम तो यहाँ पे खुद्दू बैठे हुए, कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कॉलेज के बारे में, हम तो फालतू ब्रैक करते रहते हैं या फिर फालतू बोलते रहते हैं कॉलेज के बारे में।
ये तो बात हुई थी भैया इसकी पहले वीडियो की, इसने एक और वीडियो डाली थी, क्योंकि अगर बुराई करनी है अच्छे से तो एक वीडियो तो भाई हो नहीं सकती, तो अपन को दूसरी वीडियो भी बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं दूसरी वीडियो में इसने क्या कारनामे बचाए। मैंने यार पूरा एडमिशन ले लिया था VIT वेल्लोर की CS में, और एक या दो दिन पहले छोड़ा था मैंने बस, तो मेरे को बिल्कुल यार इन डेप्थ पता है। वापस से वही फालतू बात, इन डेप्थ इससे ज्यादा वीडियो मिलेगी नहीं, पता नहीं मतलब मैं हंसूं या इस पे तरस खाऊं, मुझे ये समझ नहीं है। कंप्यूटर साइंस में अगर इस वाली कैटेगरी में 50 या 100 सीट्स हैं तो सबसे पहली बात जो उसने बोल रखा है 50 या 100 सीट्स, उसका वो फैक्ट गलत है, मैं बताता हूं क्यों। हम लोग का कैटेगरी 1 के दो बैच है, मतलब ऐसे बैचेस सेपरेट वाइज नहीं होते, बट जब अपन फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं तो वो लोग अपन की रैंक वाइज अपन को सेपरेट करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग के दो बैच बनी थी कैटेगरी 1 की, मेरा रोल नंबर था 214, मेरा रोल नंबर था 214, और हम लोग का जो आखिरी रोल नंबर वाला था आई गेस वो था 231 या 232। इसका मतलब क्या हुआ, 232 के आसपास या फिर 235 लेते चलो, 235 के आसपास सीट्स था कैटेगरी 1 में, और इसने क्या बोला है 50 से 100, तो पहली बात इसकी यहीं पे खारिज हो जाती है। और आप क्या बोल रहे थे, सब कुछ पता है तुम्हारे भाई को, बिल्कुल इन डेप्थ देखा है VIT को, काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं है भाई, तुम्हें उड़ के या रेलवे से कैसे ना कैसे इनके किसी एक सेंटर पे जाना पड़ेगा, वो हो सकता है VIT वेल्लोर वाला, भोपाल वाला, अमरावती वाला या चेन्नई वाला, ठीक है, उसमें से तुम ऐसे उड़ के उनके सेंटर पे तुम्हें जाना पड़ेगा, उनके सेंटर पे उड़ के जाना पड़ेगा। शायद ये तो मैंने बता ही दिया, चाहे वो MHTCET हो, चाहे WBJEE हो, चाहे थापड़ हो, चाहे कॉमेट के हो, इनके लिए तो अपन के भाई कॉलेज वाले घर पे आ जाते हैं ना सीधा काउंसलिंग देने की, भाई ये लो आप अपनी CS की ब्रांच, CS छोड़ो कोई भी ब्रांच, आप तो ये वाली लो हमारी ब्रांच। आधी अधूरी बातें बता रहे, क्योंकि इसके पास बस मैं वही बता चुका हूँ पॉइंट्स है नहीं, तो बस बेमतलब के पॉइंट्स रखेगा। ये वाली जो फोटो मेरे को मिली कोरा से, क्या कोरा पे मुझे ये इमेज मिली? अच्छा मतलब ये कोरा पे सर्च करता है चीजें, मतलब VIT के ऊपर इसने पहले मतलब ये कोरा से रिव्यूज लेता है, क्योंकि देखो ऐसी बात समझो, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कोरा वाले खुद इसके पास आओगे, यश भैया आप ये लो इन्फॉर्मेशन VIT के ऊपर, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, इसे डेफिनेटली सर्च करा होगा। और तुम्हें भी पता है भाई कोरा पे 95% टट्टी लिखा रहता है, मैं ये नहीं बोल रहा कोरा गंदा है, कोरा पे दिक्कत है कि लोग आजकल फालतू लिखने लग गए हैं, क्योंकि भाई कोरा पे तो क्या एनोनिमसली कुछ भी लिख सकते हैं। अब तुम्हें यहाँ पे नीचे अब ऐसा ऐसा भी है क्या कि कोरा पे बिलीव नहीं करना, कोरा पे बिलीव करो, बट कोरा पे उन लोगों पे बिलीव करो कि जैसे कोई पर्सन है और उसके नीचे उसकी फील्ड भी लिख रहती है, वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी कोई पर्टिकुलर कॉलेज का, तो अगर तुम उस कॉलेज के ऊपर जानकारी लेना चाह रहे हो तो उसका उस पर बिलीव करो ना कि वो अगर उसी कॉलेज का है, क्योंकि डेफिनेटली नाम के नीचे लिखा हुआ रहता है कि भैया वो उस कॉलेज का, तुम यहाँ पे पिक पे भी दिख भी जाओगे, उस पर बिलीव करो। अब तुम क्योंकि यार एनोनिमसली में तो क्या कुछ भी तुम फालतू फालतू लिखा हुआ है। कोरा पे मैं एक बार ऐसे बैठा हुआ था, मतलब मुझे पता नहीं किसी ने इंस्टाग्राम पे फोटो भेजी कि भैया ये तक लिखा हुआ है कोरा पे, उस पे लिखा हुआ था कि कोरा पता नहीं किसी ने एनोनिमसली लिखा था कि आपको VIT वेल्लोर में रात में 9 बजे से 12 बजे तक आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि आपको बाहर से गेट बंद कर देते हैं, मतलब जो अपन के वार्डन लोग हैं वो बाहर से गेट बंद कर देते हैं और आपको अंदर पढ़ाई करनी पड़ती है, और अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो आपको बाहर जाने नहीं देते, आपको वो थोड़ा टॉर्चर करते हैं और आपसे मतलब वो घर पे फोन करते हैं और आपकी कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है कि अगर आपने पढ़ाई करी या नहीं करी, मतलब कुछ 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 लॉजिक बन रहा है इस बात का, मतलब क्या कोरप पे क्या कितना तो टट्टी लिखा रहता है यार, क्या 3 घंटे पढ़े बाहर से लॉक करना, चल क्या रहा है यार ये। सो फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं कि इन लोगों का क्या करना, इन लोगों का क्या करना है ये तुम लोग के हाथ में, मतलब मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि तुम इनको अनसब्सक्राइब करो या तो इनकी बुराई करो, बट मैं ये लाना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या मैंने इस पूरे वीडियो में इसके कोई भी पर्सनल अटैक करा, पर्सनल अटैक मतलब मैंने क्या कभी ये बोला कि नहीं मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं, मुझे इसका बोलने का अंदाज पसंद नहीं है, मुझे इसके कपड़े पसंद नहीं, मुझे इसका बैकग्राउंड पसंद नहीं, इसने ऊपर इसने एक कॉलेज के ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने उसके ऊपर रिएक्ट करा, रिएक्ट मतलब मैंने इसको पॉइंट बताया कि भाई जो तूने पॉइंट बोले थे वो गलत है, और हाँ कुछ लोग जो बोलते थे कि भाई उससे मैं जलता हूँ, हाँ तो देख लो यहाँ पे तो मैं देख रहा होगा यशगढ़ से मेरी बात हुई थी कुछ महीनों पहले, मैंने क्या लिखा हुआ है ऐसे, बाय द वे योर एडिटिंग इज ग्रेट। अब अगर मैं जल रहा होता तो मैं उसकी तारीफ क्यों कर रहा होता, तो मैं उसको अपने आप से कनेक्ट करूँ, अगर तुम फॉर एग्जाम्पल किसी से भी जलते हो तो क्या तुम उसकी तारीफ करोगे या उससे अंदर या अंदर कूड़ोगे उसकी बुराई करोगे? मैंने तारीफ क्यों करी, क्योंकि भाई मुझे इसकी मैंने इसकी एडिटिंग की तारीफ करी क्योंकि हाँ मुझे पता है इसकी एडिटिंग अच्छी है। अब मैं क्या इससे एकदम ही दुश्मनी करता हूँ? नहीं दुश्मनी नहीं करता हूं। अब भाई अगर जो चीज ये अच्छी करेगा मैं उसकी तारीफ भी करूँ, बट जो चीज ये फालतू एकदम ही टट्टी बनाएगा उसकी मैं बुराई करने की भी यहाँ मेरी औकात है। और उससे बड़ी बात मैंने यहाँ पे देखो नीचे खुद लिखा है मुझे तो ऐसा एडिटिंग आती नहीं, मतलब मैंने उसको एडिटिंग के लेवल पे उसको ऊपर रखा है, उसको ऊपर रखा है अपने से, मतलब मैं साफ उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग। बट जब बात आती है ऐसे कॉलेज रिव्यूज की
तो भाई अपन कुछ नहीं, अपन कोई सपोर्ट अपोर्ट नहीं, अपन एकदम अगेंस्ट चलते। अब मैं तुम्हें बता दूं लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है। ये जो कुछ लोग है ना जो सरकारी कॉलेज में पहुंच जाते हैं, फिर जो अपना यूट्यूब चैनल खड़ा करके बोलते हैं, तुम कभी इनकी ब्रांच भी देख लिया करो। इसकी मैं बताता हूँ, इसकी ब्रांच है पॉलीमर साइंस, इसके बाद दिल्ली का रिजर्वेशन भी है, दिल्ली डीटीओ में 85% रिजर्वेशन होता है, ये सबको पता है। और इसकी ब्रांच है पॉलीमर साइंस, इसका परसेंटाइल कुछ आया था 94.7 टू बी, मुझे जितना याद आ रहा है, और मेरा आया था 97.7। चाहता तो ना मैं इससे अच्छी ब्रांच ले, इससे अच्छे उसमें पहुंच सकता था, बट वही वाली बात है, मेरे पास दिल्ली का रिजर्वेशन नहीं था। ठीक है, अगर तुम लोग को, अब कुछ लोग बोलते कि भैया अच्छा आपके मार्क्स ज्यादा तो आप क्या बोलते हो कि आप ज्यादा अच्छे से बताते हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम खुद बोल रहे हो। तुम उसकी वीडियोस क्यों देखते हो और तुम उसको मुझसे क्यों कंपेयर करते हो? तुम सीधा ये बोलते हो ना भाई वो तो डीटीयू में बैठा हुआ, तू तो एक साढ़े से कॉलेज में, वो डीटीयू में बैठा हुआ है, मतलब तुम एकेडमिक्स के बेसिस पे बोल रहे हो ना कि भाई वो डीटीयू, क्योंकि भाई डीटीयू में बैठा हुआ और मैं वीआईटी में बैठा हूं, तो तुम एकेडमिक्स को सीधा कंपेयर कर रहे हो कि भाई वो तुमसे अच्छा पढ़ते हो। तो मैंने भी एकेडमिक्स का पॉइंट रख दिया आपको। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करता, मुझे पता बहुत सारी लंबी वीडियो हो गई है, बट वीडियो बनानी जरूरी थी, क्योंकि यार ऐसे लोगों को बताओ थोड़ा धंधा रोकना जरूरी है, क्योंकि इन जैसे लोग, मैं तो और नाम नहीं लूंगा, बट इन जैसे लोग पता नहीं अपने आप को क्या कहीं मसीहा समझते हैं, फिर लोग इनको देखते भी, अगर मैं इसके पर्सनल अटैक करने पे आ जाऊंगा ना, क्योंकि इसने इतनी सारी फालतू चीजें बोल रखी हैं, अगर मैं इस पे पर्सनल अटैक करने पे आ गया ना तो पता नहीं कितनी वीडियो बन जाएंगी, और इसका मतलब पता नहीं शायद बंद तक ना हो जाए। तो ये थोड़ा ढंग से रहे, मतलब अगर ये देख रहा है, अगर तू देख रहा है, यस अगर तू वीडियो देख रहा है, तो जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं तू उसको मुझे तू आंसर कर दे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अपन कनेक्टेड तो है, तो तू इंस्टाग्राम पे मुझे आंसर कर दे, या फिर तू खुद एक वीडियो बना के पोस्ट कर दे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे पोस्ट कर दे कि भाई नहीं मुझे तुम्हारे पॉइंट्स ये वाले गलत लग रहे, इतनी औकात तो कर दो भाई। बस भाई एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जिसको फॉलो कर रहा हो करो। मैंने यहाँ पे इस वीडियो क्या इस वीडियो में मैंने वीआईटी का प्रमोशन करा, मैंने कभी नहीं बोला वीआईटी को ज्वाइन करो, मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ। कंपेयर मतलब क्या बोलता हूँ, अगर कोई मुझे स्टूडेंट कोई स्टूडेंट मुझसे बोलता है कि भैया क्या मैं वीआईटी ज्वाइन करूँ, मैं उससे ये बोलता हूँ कि तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है, तो वो बोलता है भैया मेरे देखो मुझे मुझे जेई मेंस में अच्छे नंबर नहीं है, और मेरी प्रेफरेंस है कि मुझे अच्छी ब्रांच चाहिए क्योंकि मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है। तो मैं बोल देता हूँ कि अगर तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं अगर केवल ब्रांच पे ही जाना है तो ठीक है, तुम एनआईटी से जैसे तुम्हें अच्छे नंबर नहीं है तो तुम्हें ब्रांच अच्छी नहीं मिलेगी, तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। मैं ये सीधा ब्लाइंडली कभी नहीं बोलता भाई तू वीआईटी ज्वाइन कर ले। तो मैंने 150 के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रखे, तुम एक वीडियो में बता दो जिसमें मैंने बोला भाई तू वीआईटी ही ज्वाइन कर, तू वीआईटी ही है, वीआईटी है सबसे अच्छा, वीआईटी है सबसे अच्छा प्लेसमेंट देता है, ओवरहेड प्लेसमेंट्स, ठीक है, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। थोड़ा मतलब कुछ पहली बात अपन को क्या चीज, तुम किसी की भी वीडियो देखो, चाहे वो मेरी वीडियो देखो चाहे उसकी वीडियो देखो, हमेशा कुछ बेसिस बना के रखो कि अच्छा अपन इस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, और कुछ अपना दिमाग खुला रखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या, बहुत सारे लोग पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता, बट अपना दिमाग आंखें खोल के रखा करो कि अच्छा मैं अगर इसकी वीडियो देख रहा हूँ तो ऐसा हो, ठीक है। सो आई होप वीडियो खत्म होने को आ रही है, और मैं बस ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि बताओ इन जैसे लोग बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हैं भी अभी भी हैं, और बस मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, उनको ये वाली बात समझ में आए कि अगर कोई सरकारी कॉलेज में पढ़ा हुआ बंदा दूसरे कॉलेज की बुराई कर सकता है, तो मैं उसके पॉइंट्स काटने के लिए भी इतनी औकात रखता हूँ कि मैं आके बोलूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।